भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक हो रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए ने बैठक से पहले महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। इस बैठक में हम बीजेपी की सिटिंग सीट्स और पिछली बार जिन सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था उन पर चर्चा करेंगे। जिन सीटों पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के मौजूदा विधायक है उन पर चर्चा नहीं होगी। हम केवल उन सीटों पर चर्चा करेंगे जहां से बीजेपी का उम्मीदवार जीत सकता है। बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी कि सीटों का बंटवारा कब घोषित किया जाएगा। केंद्रीय निवडणूक समिति की आज बैठक आहे। या बैठकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी जे सिटिंग सीट आहे आणि काही सीट आमच्याकडे जे मागच्या वेळी आम्ही लढल्या होत्या, आम्ही चांगल्या पद्धतीने फाईट केली होती, त्या सीटवर आम्ही चर्चा करणार आहोत। पण ज्या ठिकाणी एकनाथ शिंदे यांच्या सीट आहेत त्या ठिकाणी एकनाथजी आपली तयारी करतायत, त्यांच्याकडे जे सिटिंग आमदार आहेत अजितदादाची सिटिंग आमदार तिकडे तयारी करतायत, त्या ठिकाणी आम्ही चर्चा करणार नाही। पण मात्र काही सीट अशा असतील ज्या ठिकाणी आम्ही निवडून येऊ शकतो, त्या ठिकाणी काही ठिकाणी अजितदादा निवडून येऊ शकतात, त्यामुळं महायुतीचं जवळपास जुळत आलं पण भाजप आणि भाजप जिंकू शकते अशा सीटवर आम्ही चर्चा करतो। बैठक में बीजेपी की सिटिंग सीटों पर चर्चा शिंदे पवार के मौजूदा विधायकों की सीटों पर नहीं होगी। चर्चा केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। सीट बंटवारे की घोषणा मुख्यमंत्री पद को लेकर भी चंद्रशेखर बावनकुए ने अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उन्हें एकनाथ शिंदे और अमित शाह के बीच हुई चर्चा की जानकारी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना है कि अधिक से अधिक पद बीजेपी को मिलने चाहिए। केंद्रीय निवडणूक समिति आज बैठक घेणार आहे। त्या बैठकीनंतर केंद्रीय निवडणूक समिती ठरवतं की केव्हा जाहीर होईल। अगर मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे के पास है तो सत्ता में महाबंटल और मंत्री पद बीजेपी के पास होने चाहिए। ये कार्यकर्ताओं की इच्छा है और मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब देखना होगा कि बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का फैसला कब लिया जाता है और ये महाराष्ट्र की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है। नहीं, एकनाथ जी आणि अमित भाई मध्ये काय चर्चा झाली यामध्ये मी नव्हतो, त्यामुळे त्याबद्दल मला माहिती नाही। पण साधारण कार्यकर्त्याची भावना अशी आहे की आपण जास्त आमदार आपल्याकडे आहे, मुख्यमंत्री पद जर एकनाथ शिंदेकडे असेल तेव्हा त्या परिस्थितीमध्ये सत्तेमधील काही महामंडळ असतील, मंडळ असतील, मंत्रीपद असतील किंवा जे काही सत्तेमध्ये महत्त्वाचा रोल असतो तो भारतीय जनता पार्टीने त्या ठिकाणी केला पाहिजे असं मला वाटतं। राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट। The cool new Glanza. Go hatchin'. Go awesome.